हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ भानी राम डाल। देखो स्टूडेंट, जैसे कल मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, कट ऑफ के लिए बात कर रहा था। जैसे स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं तो उनको लगता है 90 सही है, 85 सही है, फिर वो धीरे धीरे जाके की मैच करते हैं, तब जाके पता लगता है। देखो लगभग जो मेरिट जाती है वो 70-75 के आसपास ही जाती है एग्जाम की। ऐसे लग रहा था एग्जाम ईजी है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कॉम्प्लिकेटेड थे तो स्टूडेंट को डाइवर्ट कर रहे थे। मैंने एक वीडियो भी जारी किया था भी, आप जब एग्जाम देते हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो उसमें मैंने एक बात बताई थी, आपको एग्जाम में बैठकर ये नहीं सोचना होता कि मेरिट क्या जाएगी, क्योंकि उस चक्कर में अपने नेगेटिव कर देते हैं। पेपर इजी लगता है, हमेशा पेपर इजी लगता है तो हम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ज्यादा करते हैं तो फिर हम नेगेटिव के लिए चले जाते हैं, तो उसका लॉस भी कई स्टूडेंट को हुआ है। काफी स्टूडेंट की कॉल्स आई थी जिन्होंने इस तरह का मेरे को केस बताया था। हालांकि मैंने अपना वीडियो में पहले ये बात बता दी थी, आपको जितने अच्छे से आ रहे हैं उतने ही अटेम्प्ट करने चाहिए। अब देखो मैं एक फाइनल की जारी कर रहा हूँ, तो उसमें आप अपना मैच कर सकते हो, जो फाइनल मेरी तरफ से फाइनल की होगी। बाकी उसमें किसी तरह से बोर्ड क्या कंसिडर करता है, कोई एक दो क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो सकता है। लगभग ये क्वेश्चन, ये जो अपने की होगी ये सटीक रहेगी। एक बात और दोस्तों, जैसे पिछले काफी समय से मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए काफी वीडियोज भी रिलीज कर रहा था और उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थे। कल मैंने एनालाइज किया कि उसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन पड़े हैं। लगभग अगर मैं बात करूं तो हालांकि मैं पूरा सिलेबस नहीं करवा पाया था, लेकिन ऑब्जेक्टिव और जो बेसिक वीडियोज थे अगर उनका कंपेयर किया जाए तो लगभग मेरे हिसाब से 80% कवर हो चुका था मैटर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी तो लगभग, अगर अकेले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप जाओगे तो उससे ही 70 से 80% के बीच में कवर हो चुका है। आप उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर याद करोगे तो आपको पता लग जाएगा भी हमने हाँ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था। तो मेरा तो प्रयास था कि आपको एक बेटर रिजल्ट मिले। उस बीच कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे, जैसे कई बार कर देते हैं स्टूडेंट, हालांकि मेरे लिए कोई इश्यू नहीं है, जिन लोगों को फायदा हो रहा है मैं उनके लिए खुश हूँ। सर आपके नोट से कुछ नहीं आने वाला, ये नहीं आने वाला, वो नहीं आने वाला, तो उन स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरे पीछे वीडियो का कंपेयर करें और एनालाइज करें कि कितना आने वाला है। तो मैं तो मेरे जो वीडियोज है जो मैंने वर्क किया था उसके लिए सेटिस्फाई हूँ। अगर आप लोग भी सेटिस्फाई है तो हमारे जो जेट आईसीआर के बैच चलते हैं, हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो है जॉबनेर कोचिंग, श्री गंगानगर राजस्थान में है। अगर हमारा जो टीचिंग का लेवल है और जो हमारे पढ़ाने का तरीका है, अगर उससे कुछ आपको लगा कि आपको फायदा हुआ तो आपके जो भी छोटे भाई बंधु हैं तो उनको जेट और आईसीआर के लिए, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए प्रेरित करें, अगर आप मेरे साथ सेटिस्फाई हो तो। क्योंकि देखो जो माउथ पब्लिसिटी होती है वो ही ज़्यादा पब्लिसिटी होती है, तो मेरे लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप लोगों को मैंने बेनिफिट दिया है तो, या फिर आप लोगों के लिए मैंने कुछ वर्क किया है तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी मैं वर्क करूं। तो इंस्टीट्यूट तो हमारा है वो जॉबनेर कोचिंग श्री गंगानगर राजस्थान के अंदर है। एग्रीकल्चर बेस्ड और जो एग्जाम होते हैं हम उनका प्रिपरेशन करवाते हैं, तो जिस तरह का आपका कोऑपरेशन रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा मुझे उम्मीद है। अब अपने फाइनल की जारी कर रहे हैं, उसके मैं क्वेश्चन देखो मेरे पास जो पेपर आया है उसमें 41 नंबर से एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है। हालांकि मैं एग्रीकल्चर के क्वेश्चन जब बोलूंगा तो आप मैच कर सकते हो। इनमें पहला क्वेश्चन था 41 नंबर, कम सांद्रता में एट्राजिन का छिड़काव प्रकार के वाष्पोसर्जन रोधी के रूप में कार्य करता है, तो ये रंध्र बंद करने वाले के रूप में काम करता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 41 का डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, आलू की सुसुप्त अवस्था को दूर करने के लिए काम आने वाले रसायन निम्न में से कौन सा है? तो आलू की सुसुप्त अवस्था को दूर करने में रसायन जो काम आता है वो है थायो यूरिया। नेक्स्ट है 42 का राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है 43 नंबर, निम्न में से कौन से प्रकार के उर्वरक सामान्यतः भारत विदेश में निर्यात करता है? तो नाइट्रोजन जो उर्वरक है वो निर्यात करता है, 43 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर का अंश कितने प्रतिशत होता है? तो जो ऑप्शन के हिसाब से राइट है वो है 44 का बी ऑप्शन, 12%। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, राजमा की फसल के लिए संतुलित नत्रजन की मात्रा किलो प्रति हेक्टर होनी चाहिए, तो ये 110 से 120 किलो होती है, 45 का डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, खरपतवार नियंत्रण है तो ब्राउन मैन्योरिंग जो एक विधि है कौन सी फसल के लिए सामान्यतः अपनाई जाती है? धान की सीधी बुआई के लिए अपनाई जाती है, 46 का डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, एक हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी के बराबर होता है, तो ये होता है अपना 1,00,000 लीटर होता है, 47 का सी ऑप्शन राइट होगा।
नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है? तो लीचिंग यानी निस्पंदन से। तो 48 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? डी ऑप्शन राइट है इसका, लंबे समय यानी 30 वर्ष से अधिक के मौसम में बदलाव को जलवायु कहते हैं। तो 49 का डी। 50 का, मृतिका के कणों का व्यास यानी कले के कणों का जो आकार है वो 0.002 mm से छोटा होता है। 50 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट उर्वरक का तुल्यांकी अम्लीयता कितनी होती है? तो ये 110 होती है। 51 का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, निम्न फॉस्फोरस उर्वरकों में कौन सा अम्लीय मृदा में उपयोग में होता है? रॉक फॉस्फेट होता है। 52 का ए ऑप्शन राइट है। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है? साइनेडोन डेक्टाइलोन ये भी बहुवर्षीय है, साइपस रोटेंडस ये भी बहुवर्षीय है, एविना फतवा है ये एक वर्षीय है, इकोरोनिया इंटीबस ये बहुवर्षीय है। तो ये क्वेश्चन डाउटफुल है, तो इसका जो राइट आंसर हो सकता है डी कंसिडर्ड कर लिया जाए या फिर सी कंसिडर्ड कर लिया जाए, लेकिन ये 53 नंबर जो क्वेश्चन है ये डाउटफुल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, कक्षत कलिकाओं का शाखाओं में भडवार कहलाता है? तो कक्षत कलिकाओं का शाखाओं में भडवार कहलाता है ए ऑप्शन, शाखा निकलना ब्रांचिंग ए। नेक्स्ट है 55 नंबर, संकुल मक्का में प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी होनी चाहिए? तो न्यूनतम पृथक्करण दूरी होनी चाहिए 200 मीटर। 55 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, जिया मेज वेराइटी इवर्टा का वानस्पतिक नाम है? ये पॉपकॉर्न का वानस्पतिक नाम है। 56 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल का अवयव है? तो क्लोरोफिल का जो अवयव है वो मैग्नीशियम है। 57 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, अवनालिका सरण की बढ़ती अवस्था है? तो अवनालिका सरण रील सरण की बढ़ती अवस्था है। 58 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, वह पोषक तत्व जो स्टोमेटा की गति और पौधों की कोशिका की स्फीति को बनाए रखता है वो होता है पोटाश, यानी 59 का बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, मक्का की दो पंक्ति के मध्य उड़द की एक या दो पंक्ति लगाने का उदाहरण है सहचर फसलों का उदाहरण है, यानी कॉम्पेनियन क्रॉप। 60 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, दुर्गापुरा मधु किस फसल से संबंधित किस्म है? तो ये खरबूजा की किस्म है। 61 का बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, अंगूर में संधाई की कौन सी विधि में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो पंडाल विधि में होता है। 62 का ए ऑप्शन राइट है, पंडाल। 63 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है? तो गंगानगर हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। 63 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन, खजूर का प्रसारण किसके द्वारा होता है? शक्कर से भी होता है, ऑफशूट से भी होता है, लेकिन ज्यादा जो काम में लेते हैं वो शक्कर से लेते हैं, तो शक्कर से यहाँ पे सही होने के चांसेस है। 64 का ए राइट होगा। बाकी बोर्ड पे डिपेंड है ये क्या कंसिडर करता है, उसकी की आती है उसके बाद अपने देखते हैं। नेक्स्ट है 64 का होगा ए राइट। 65 नंबर क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में अनार की कौन सी बाहर सबसे उपयुक्त है? मृग बाहर सबसे उपयुक्त है। 65 का ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, अफ्रीकन मेरीगोल्ड का वानस्पतिक नाम होता है, यानी गेंदे का वानस्पतिक नाम होता है अफ्रीकन गेंदे का, टेगेटस इरेक्टा। 66 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि को सघन बागवानी कहा जाता है? मार्केट गार्डनिंग को सघन बागवानी कहा जाता है, तो यहाँ मार्केट गार्डनिंग तो ऑप्शन में है नहीं, तो 67 का डी ऑप्शन राइट हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। बाकी ये भी बोर्ड की जो की आती है, रिजल्ट आता है तब अपने देखते हैं क्या मानते हो, तो 67 का डी ऑप्शन होना चाहिए। श्योर नहीं कह सकता मैं, 67 का डी ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे। देखो दोस्तों, इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था, अपने यहाँ 5 मार्च से प्री पीजी जो एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम होता है उसके लिए, डब्ल्यूओ के लिए असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, उसके अलावा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर जैसे पंजाब में अभी पोस्ट आई आने वाली है, और हरियाणा के अंदर जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर या हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट है, उसके अलावा जैसे उत्तराखंड के अंदर अपने बात करें तो उत्तराखंड के में भी अभी क्या है, कुछ जैसे हॉर्टिकल्चर जो इंस्ट्रक्टर है उसकी पोस्ट भी लगभग, इंस्पेक्टर सॉरी हॉर्टिकल्चर जो इंस्पेक्टर है उसकी भी पोस्ट के लिए एग्जाम होने वाला है, तो इनके लिए हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 5 मार्च 2019 से। तो ये जो बैच का टाइम रहेगा वो 8:20 का टाइम रहेगा, तो जो स्टूडेंट बीएससी होल्डर है और
बेसिक जो भी एग्रीकल्चर के कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो सब में लगभग जो सिलेबस होता है वो एक जैसा ही होता है, क्योंकि जो आपने बीएससी में सब्जेक्ट पढ़े होते हैं वही सब्जेक्ट आपके एमएससी के एंट्रेंस के लिए एग्जाम होता है, जैसे प्री पीजीजीआर। और उसके अलावा जैसे अभी मैंने बताया था हॉर्टिकल्चर जो इंस्पेक्टर है या फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, एडीओ जिसको बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, तो इनके लिए अपने बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 5 मार्च 2019 से सुबह 8:20 से। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आप लोगों के पास होगा ही, नहीं है तो पीछे जो स्लाइड दी हुई थी जॉबनेर कोचिंग से के नाम से, उस स्लाइड पे आपके नंबर दिए हुए हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कल 8:20 से आप आ सकते हैं। 2 दिन का डेमो क्लासेस रहेगा और जो सिलेबस होगा वो 3 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन, चूर्णी फफूंद कौन से फल की प्रमुख व्याधि होती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी, यानी आम, बेर और अंगूर, तीनों के अंदर ही होता है। 68 का डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 69, 79 नंबर क्वेश्चन, सिंदूरी किसकी किस्म है? सिंदूरी है अनार की किस्म है, 69 का बी ऑप्शन राइट होगा। 70 नंबर क्वेश्चन, आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, 70 का सी ऑप्शन राइट होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, गुलाब की खेती क्षेत्र में छंटाई का समय होता है? देखो अक्टूबर से जनवरी का टाइम होता है, लेकिन सबसे बढ़िया होता है वो नवंबर दिसंबर होता है, 71 का डी ऑप्शन राइट है। ये क्वेश्चन हटाया जा सकता है क्योंकि अक्टूबर नवंबर भी ऑप्शन है, नवंबर दिसंबर भी ऑप्शन है, तो राइट मेरे हिसाब से नवंबर दिसंबर होगा, 71 का डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त रहता है? तो सेब बढ़िया रहता है, लेकिन सेब ऑप्शन में नहीं होगा, तो केला राइट होगा, 72 का ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो बारबंडस चेरी सबसे ज्यादा विटामिन सी का स्रोत होता है, तो 73 का बी ऑप्शन राइट होगा, 73 का बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन, आम की बोनी किस्म कौन सी है? तो आम की बोनी किस्म है आम्रपाली, 74 का डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस फल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? केले का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, 75 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, गरीब आदमी का संतरा किसे कहते हैं? टमाटर को कहते हैं, 76 का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 77, विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधीय पौधा जाना जाता है? तो अश्वगंधा जाना जाता है, 77 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन, ग्लैडुलस फूल को क्या कहते हैं? ग्लैडुलस के फूल को स्पाइक कहते हैं, 78 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा देखो डाउट है, हेड किस फसल का आर्थिक भाग होता है? केबेज का होता है, हिंदी में और इंग्लिश में देखो ऑप्शन होते हैं वो ऊपर नीचे लिखे हैं, लेकिन इसका सही जो आंसर होगा वो पत्ता गोभी होगा, तो मैं इंग्लिश के हिसाब से ए ऑप्शन बता रहा हूँ, 79 का केबेज ए ऑप्शन यानी पत्ता गोभी। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती है खीरा वर्गीय फसलों में पादप हार्मोन का जो उपयोग करते हैं वो कितनी अवस्था में करते हैं, यानी सेक्स मॉडिफिकेशन के लिए, यानी जो लिंग बदलाव है उसके लिए जो छिड़काव करते हैं वो 2 से 4 ट्रू लीफ स्टेज यानी 2 से 4 पत्ती की अवस्था पे करते हैं, 80 का ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन, भेड़ में समागम की क्रिया को कहते हैं, टूपिंग कहते हैं, यानी मेटिंग की क्रिया को, 81 का बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन, अभिकालीन नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, 82 का सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन, किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ऊंटनी के दूध में होती है, 83 का सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन, रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? ऊंट में देखने को मिलती है, 84 का डी ऑप्शन राइट होगा। 85 नंबर क्वेश्चन, पशु में गलघोटू बीमारी का कारण होता है, जीवाणु होता है, 85 का ए ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन, दुग्ध बुखार यानी मिल्क फीवर बीमारी का कारण है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी उपापची, 86 का डी ऑप्शन राइट होगा, कैल्शियम की कमी से होता है इसलिए उपापची में रखेंगे, 86 का डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन, पशुओं में खुरपका मुंहपका फुट एंड माउथ डिजीज बीमारी का कारण होता है, वायरस यानी विषाणु होता है, 87 का ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता है? 88 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है एंथ्रेक्स, ए ऑप्शन राइट है, 88 का एंथ्रेक्स। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन, दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? तो इसके द्वारा पता लगाया जाता है मेस्टाइटिस के का पता लगाया जाता है, 89 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन, गाय के दूध का पीला रंग होने का कारण होता है केरोटीन, यानी 90 का बी ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये अपनी है करनाल के अंदर, 91 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है गर्भर, 92 का सी ऑप्शन, गर्भर मशीन से पता लगता है। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, टोंड दूध में उपस्थित वसा व SNF का प्रतिशत होता है, वसा 3% और SNF 8.5%, यानी 93 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल बाहरवाह के लिए जानी जाती है, निड्रोट पर्पस से नागौरी नस्ल होती है, 94 का डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, वयस्क गाय का स्थायी दांत का सूत्र होता है, तो ये होता है इनसीजर 0/4, केनाइन 0/0, परिमोलर 3/3 और मोलर 3/3, 95 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है, तो भदावरी में सबसे ज्यादा पाई जाती है, 96 का डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, तो राठी नहीं है, 97 का डी ऑप्शन राइट है, राठी। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, हंसियाकार सींग भैंस की किस नस्ल की मुख्य लक्षण है, तो ये सूरती भैंस के मुख्य लक्षण है, 98 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है, तो जमुनापुरी है, 99 का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, मखदुम में है, तो 100 का डी ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों ये आंसर की है, आप मैच कर सकते हो और अपना इवोल्यूशन कर सकते हैं।